तृणमूल कांग्रेस ने आज कोलकाता में जारी किया घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो में किसानों और उद्योगों के लिए बड़े वायदे। पूर्व जदयू नेता और चर्चित नौकरशाह एनके सिंह ने भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मौजूदगी में थामा भाजपा का दामन। एनके सिंह ने कहा, बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार विकास के एजेंडे से भाग गए और अपने आप को बचाने में ही लगे रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता जसवंत सिंह ने राजस्थान के बाड़मेर से टिकट न मिलने पर अपनाए बागी तेवर। उन्होंने भाजपा पर अपने सिद्धांतों से भटकने का लगाया आरोप। भाजपा नेता जसवंत सिंह सोमवार को बाड़मेर में अपने समर्थकों की बैठक के बाद चुनाव लड़ने पर करेंगे फैसला। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पौड़ी गढ़वाल के सांसद सतपाल महाराज ने कहा, कांग्रेस में उनकी हो रही थी उपेक्षा और उत्तराखंड में उनके सुझावों को नहीं किया जा रहा था शामिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सतपाल महाराज के कांग्रेस छोड़ने के फैसले को उनका व्यक्तिगत निर्णय बताया। उन्होंने कहा, इससे पार्टी के चुनाव अभियान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के मांडला में आदिवासी समुदाय के लोगों से की मुलाकात। राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर केंद्रीय योजनाओं को धीमी गति से लागू करने का लगाया आरोप। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने आज दाखिल किया नामांकन पत्र। पिछली बार भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह इस लोकसभा क्षेत्र से थे सांसद। इस बार भाजपा से पूर्व जनरल बीके सिंह और आम आदमी पार्टी की शाजिया इल्मी हैं गाजियाबाद से प्रत्याशी। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि गुजरात दंगों के मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने में कई संस्थाएं रहीं असफल। उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सक्रिय भूमिका की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, अन्य मामलों की तरह इस मामले में भी शीर्ष अदालत को अपनी निगरानी में करानी चाहिए थी जांच। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को हरियाणा के फरीदाबाद में रोड शो के दौरान कुछ लोगों ने दिखाए काले झंडे। घटना उस समय की है जब केजरीवाल फरीदाबाद लोकसभा सीट से आप प्रत्याशी पुरुषोत्तम डागर के समर्थन में रोड शो कर रहे थे। शनिवार को अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए सभी सीटों पर नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की 60 और ओडिशा में पहले चरण में 70 सीटों के लिए होगा चुनाव। अरुणाचल प्रदेश में अभी तक 89 उम्मीदवारों ने किए हैं अपने नामांकन पत्र दाखिल। मालदीव में संसदीय चुनाव के लिए मतदान जारी। 4 पार्टियों का गठबंधन दे सकता है पूर्व राष्ट्रपति नशीद को कड़ी टक्कर। मतदान के परिणाम आज शाम तक आने की उम्मीद। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए राष्ट्रमंडल ने चुनाव पर्यवेक्षकों की भेजी है 7 सदस्यों वाली टीम। यूक्रेन के संकट को लेकर यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक के बीच यूरोपीय संसद के अध्यक्ष मार्टिन सुल्ज ने कहा है, यूक्रेन के संकट ने यूरोप में युद्ध का खतरा दोबारा कर दिया है पैदा। रूस की इस हरकत से खफा होकर अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस पर लगाए कई प्रतिबंध। दक्षिणी हिंद महासागर में देखा गया एक और बड़ा मलबा, लापता मलेशियाई विमान होने का संदेह। मलेशिया ने कहा, चीनी उपग्रह द्वारा लिए गए चित्र का चीन कर रहा है अध्ययन।